नमस्कार साथियों, मैं अभी एक गैरेज में हूँ जहाँ मेरा गाड़ी खराब हो गया है, इसको बनवाने के लिए आया हूँ। ये है बुलेरो प्लस, आपको दिखाता हूँ। यहाँ से बैलेंसिंग राड टूट चुका है, वो अंदर आप देख सकते हैं, वो वाला जो दिख रहा है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बैलेंसिंग रॉड है, अंदर टूटा हुआ है, आपको दिखाता हूँ, वहाँ देख सकते हैं टूट चुका है। इसको अभी हम रिपेयर करने वाले हैं, तो चक्के को जेक लगा के आगे है, चक्का खोलना पड़ेगा पहले, चक्के को भी खोलेंगे। अभी हम चक्का खोलेंगे, चक्का खोलने का काम चालू हो गया। चक्का खोलने के बाद आपको दिखाते हैं क्या काम होने वाला है। बोल रहे हैं खुलेगा, बहुत हार्ड है, बहुत दिन से खुला नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है खोलने में, फिर भी कोशिश जारी है। ये टायर नहीं खुल पाया तो हम सीधा अंदर ही खोल रहे हैं, खोलने का काम चालू है। खोल हम दिखाएंगे लास्ट में। ये वाला रोड है, ये यहाँ से टूट गया है, थोड़ा वाला वेल्डिंग कराना पड़ेगा फिलहाल, फिर बाद में इसको बदलना ही पड़ेगा, अभी के लिए वेल्डिंग कराएंगे काम चलने के लिए। फाइनली हम इसको वेल्डिंग करवा के ले आए हैं, तो फिटिंग प्रोसेस चालू है, देख सकते हैं वहाँ लग चुका है। देखिए फाइनली नट को हम रात को लगा दिए हैं, इसके बाद हम चेक करेंगे गाड़ी एक साइड खींच रहा है कि नहीं। ड्राइवर हाँ, अभी नट टाइट कर रहे हैं, टाइट करने के बाद हम देखेंगे, अब लगभग ठीक हो गया है। आपका भी अगर गाड़ी रात टूट जाए, हम इसको वेल्डिंग कराए हैं फिलहाल, अभी मिस्त्री बता रहे हैं कि 1 महीना चल जाएगा, तो आप ऐसा ना करें, आप चेंज करवा दें, हमारे पास सुविधा नहीं है, इसलिए हम वेल्डिंग करा काम चला रहे हैं, है ना। ठीक है, देखते हैं चेक करके स्टेयरिंग में। फाइनली हम देख रहे हैं स्टीयरिंग अब हटने लगा है, स्टीयरिंग अभी ठीक हो गया,